बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की। अब आप सुन ले, मैं बहुत कम बोलूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं सबसे पहले तो श्री सुनील तिवारी जी को, जो विप्र सेना के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि जयपुर में आज तक का सबसे बड़ा सम्मेलन करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हम सब बहुत बड़े बहुत सक्षम आ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी आए हैं, उन्हें भगवान परशुराम की डाक टिकट जारी करने का फैसला करके एक अभूतपूर्व काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो EWS का आरक्षण है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, उस आरक्षण को पुष्पवर्षा हो रही है, आप पे हेलीकॉप्टर आ चुका है। मैंने आपसे कहा था पुष्पवर्षा कराएंगे, जोरदार तालियां बजाओ, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रचंड आवाज में बोलेंगे भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। विप्र सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विप्र सेना जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, मेरा समाज जिंदाबाद, मेरा पुजारी जिंदाबाद। अब मैं आपसे एक अब आप भाषण को सुनिएगा, घनश्याम जी वैसा बोल रहे हैं। अब शांति बना के रखे, शांति बना के रखे, अब बिल्कुल शांति बना के रखे। तो मैं आप एक बार शांत हो जाएं, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी मांग EWS का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य समाजों के आरक्षण को लाभ है, वो सारे लाभ EWS के आरक्षण को मिलने चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग आवश्यकता है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सारे सनातन धर्म के मंदिर, अब भाई साहब के भाषण को सुनिएगा, शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें। एक बार शांत हो जाएं। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने धर्म स्थान हैं, हमारे सारे मंदिर और सारे धर्म स्थान जो सनातन धर्म के हैं, उन मंदिरों को अधिकार करने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो हमारे मंदिर सरकारों के पास हैं, वो मंदिर हमारे समाज को वापस लौटाए जाए, यह मेरा कहना है। और अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है, उसी प्रकार सनातन धर्म हिंदू रिलीजियस एक होना चाहिए और हिंदू मंदिरों पर केवल हिंदू का अधिकार होना चाहिए। बोले भगवान परशुराम की जय। बोले